भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक ओर वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह को लेकर कई अलग सुर्खियां भी बन रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अक्षरा सिंह ने पवन के खिलाफ काफी जहर उगला और उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह ने उन्हें इंडस्ट्री से निकलवाने की कोशिश की। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि बीते साल पवन की शादी के बाद ये दोनों की राहें अलग हो गई थी और इनकी राहें अलग होने के बाद पूरे तरीके से यहाँ पर वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी रही थी, लेकिन पवन सिंह उन्हें इंडस्ट्री में सही तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। साथ ही अक्षरा सिंह का ये भी कहना था कि पवन सिंह उन्हें इंडस्ट्री से बाहर निकलवाना चाहते थे और उन्होंने उनके गाने भी रिलीज नहीं होने दिए। इस मामले में पवन सिंह ने साफ कहा कि वो इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि ये मामला तब पकड़ा जब अक्षरा सिंह ने पवन के खिलाफ मुंबई के एक लोकल थाने में FIR भी दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद पवन और अक्षरा के बीच कड़वाहट सरेआम सामने आ गई, जिसके बाद पवन और अक्षरा का यह मामला और ज़्यादा तूल पकड़ चुका था। लेकिन इस मामले में रानी चटर्जी का नाम घसीटे जाने से वो बेहद नाराज हुई और उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में उनका नाम ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है और उनका नाम बिना मतलब में सामने लाया जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहीं तो वो इस पूरे मामले में कोर्ट तक जाएंगी। बड़ी बात यह है कि अक्षरा सिंह के विवाद के बाद पवन और रानी के बीच करीबियां काफी बढ़ गई हैं। दोनों ने हाल ही में एक गाना भी साथ में किया है। ऐसे में रानी ने हाल ही में यह भी कहा कि पवन सिंह और उनके बीच अच्छी दोस्ती है और वो दोनों कभी भी अलग नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक साथ काम नहीं करते तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात भी समझी जानी चाहिए कि पवन और अक्षरा का विवाद उनसे कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबरें हैं कि अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के बाद पवन और रानी के बीच अच्छी करीबियां आ गई हैं। हालांकि पवन सिंह शादीशुदा ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अक्षरा सिंह से बेहतर बॉन्डिंग हो चुकी है और एक समय जहां अक्षरा और पवन की बॉन्डिंग बेहतर मानी जाती थी, वहां अब रानी पवन के साथ दिखाई देती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अक्षरा और पवन के रिश्ता टूटने के बाद रानी और पवन की एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।